वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। फिर से बायोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में आया है क्यूज कर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? पीछे से एक नंबर किसका है? बोलो तो। पाला मछली होगा। सही है। सबसे विषैली मछली है? सबसे विषैली मछली ऑप्शन पासन मछली, विद्युत मछली, आरा मछली, समुद्री घोड़ा। आरा मछली। गलत है, पासन मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? गंबिया। सही है। जल से बाहर निकालने जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? ऑप्शन उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, वे जल में नहीं चल पाती है, वे श्वास नहीं ले पाती है। क्वेश्चन फिर से बोलो। जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? इसका आंसर होगा वे श्वास नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? जीरो। सही है। एम्फीबिया बनता है बनाता है? ऑप्शन बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले। सही है। केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि? वाप कोस के कारण। हाँ सही है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। सही है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तीन। सही है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि? इसका आंसर होगा वाक कोष्ठ के कारण। शीत रक्तीय प्राणी है? मछली, मेढक, छिपकली, तीनों का। सही है, उपयुक्त सही है इसका आंसर। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि? पास। इसका आंसर होगा या त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की परसूपी को कहते हैं? ये होगा हाइपरटेंशन। हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की परसूपी को कहते हैं? एस्टिवेशन। सही है। निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी ऑप्शन पेंगुइन, हेल, ऑटर, कछुआ। कछुआ। सही है। नील में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? घड़ियाल। सही है। विषैली सांपों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है? लार ग्रंथि में। सही है। सबसे विषैला सांप है? सही है। नील में से कौन सा एक विषैला सांप नहीं है? पाइथन। सही है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? ऑप्शन चैन वाइपर, किंग कोबरा, करेत, सौ स्केल्ड वाइपर। चैन वाइपर। गलत है, इसका आंसर होगा किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। सही है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है क्योंकि जीवन जीवों के लिए पर्यावरण अनुसार अनुकूल होना चाहिए। सही है। डायनोसॉर थे? डायनोसॉर थे। हाँ। ऑप्शन सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप। सही है। विषैली छिपकली है? ऑप्शन कैमेलियन, एसिट्रोडान, हीलोडर्मा, वैरेनस। हीलोडर्मा। सही है। उड़ान छिपकली है? ट्रेको। सही है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, वर्ण की लवक, क्लोरोफिल, वात रंग।
गलत है, इसका आंसर होगा वर्म की लवक। समुद्री सांप को कहा जाता है हाइड्राफिश। सही है। सांप में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। पस। इसका आंसर होगा त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है वातक। वातिल। सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सारी मलिक। सही है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? शुतुरमुर्ग। सही है। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? गुंजन पक्षी। सही है। संविदनी किसमें वाक यंत्र है? संविदनी किसमें वाक यंत्र है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। पक्षी। सही है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है? शुतुरमुर्ग, अल्बेट्रॉस, कीवी, पेंगुइन। कीवी। सही है। और क्यों आर्कियो पटेरिक्स है? ऑप्शन दो। जूरे किस युग का सर्व पुरातन पक्षी? यही जूरे किस युग का पुरातन। सही है। तो आज के लिए बस, और कुछ ले ग्राउंड पूरा करो। एक ग्राउंड और पूरा कर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप? इसका आंसर है किंग कोबरा। डायनासोर थे या मेगा, इसका मेगा स्पीसीज कहते हैं। ऑप्शन बोल दे। हाँ बता। सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप। सही है। उड़ान छिपकली है? उड़ान छिपकली। टैको। सही है। मेडक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन। प्यूपा, मैंगोट, कैटरपिलर, टेडपॉल। टेडपॉल। सही है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि? वाकोष्ठ के कारण। मेढक पानी में या पानी का हो गया। तो आज का विनर है सूरज, लूजर है राजू।